मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी कर चुका है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी चौथी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लग गए हैं। दीपक जोशी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे, हम आपको बता दें, और प्रदेश की बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल कुछ महीने पहले ही भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दीपक जोशी कांग्रेस की ओर से खातेगांव विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। खातेगांव के आसपास लगे ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें दीपक की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा है और उस पर लिखा हुआ है, कांग्रेस से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बावजूद इसके दीपक जोशी का इस तरह से विरोध होना पार्टी को इस बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। हालांकि ये पोस्टर किसने और कहां लगवाए हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब आम लोगों के बीच इस तरह से पोस्टर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहे हैं। वहीं दीपक जोशी कई बार ये सार्वजनिक रूप से पार्टी की बैठक में और नेताओं को और कार्यकर्ताओं के बीच ये कह चुके हैं कि पार्टी के लिए बरसों से काम कर रहे किसी स्थानीय नेता का कुछ हक वो मारकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।